अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, चैप्टर ऑपरेटिंग सिस्टम्स। आज हम टॉपिक पढ़ेंगे प्रोसेस मैनेजमेंट का। हम अपने प्रीवियस लेक्चर में देख चुके हैं कि प्रोसेस उस प्रोग्राम को कहा जाता है जो इस वक्त एग्जीक्यूट हो रहा होता है। प्रोग्राम किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखा जा सकता है, जैसे कि सी या सी प्लस प्लस, और उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखे हुए प्रोग्राम को सोर्स कोड कहा जाता है। जब हमने उसको एग्जीक्यूट करवाना होता है तो कंपाइलर पहले उसको कन्वर्ट कर देता है बाइनरी कोड में, और फिर उस बाइनरी कोड को रन किया जाता है और वो हमारे पास प्रोसेस कहलाता है। जो सोर्स कोड मौजूद होता है वो एज अ टेक्स्ट फाइल हार्ड डिस्क के ऊपर मौजूद होता है। जब उसको रन करवाना होता है तो उसके जो बाइनरी कोड की एक कॉपी होती है वो रैम में लोड की जाती है फॉर द एग्जीक्यूशन। और इस प्रोसेस को हम क्या कह सकते हैं, डायनामिक इंस्टेंस ऑफ अ प्रोग्राम भी कहते हैं। डायनामिक का मतलब है कि वो एक चेंजेबल चीज है, और इंस्टेंस मीन्स यू कैन से दैट इट इज द कॉपी ऑफ द प्रोग्राम, इट इज द चेंजेबल कॉपी ऑफ द प्रोग्राम जब ये रैम में एग्जीक्यूट हो रहा होता है। किसी भी प्रोसेस को एग्जीक्यूट होने के लिए कंप्यूटर के डिफरेंट रिसोर्सेस चाहिए होते हैं, जैसे कि सीपीयू टाइम चाहिए होता है, कुछ फाइल्स चाहिए हो सकती हैं, कुछ इनपुट आउटपुट डिवाइसेस और मेमोरी रिक्वायर्ड होती है। प्रोसेस की डिफरेंट स्टेट्स होती हैं, टोटल 5 स्टेट्स होती हैं, और जिनसे ये गुजरता है। अब जब क्रिएट होता है तब से लेके अपनी टर्मिनेशन तक, तो इसकी जो स्टेट्स हैं वो न्यू, रेडी, रनिंग, ब्लॉक्ड और टर्मिनेटेड है। वन बाय वन इन स्टेट्स को हम स्टडी करते हैं। न्यू स्टेट तब होती है जब आप किसी भी प्रोग्राम पर डबल क्लिक करके उसको ओपन करने की कमांड देते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम को, तो उस वक्त प्रोसेस न्यू प्रोसेस कहलाया जाता है। फिर जब वो रेडी होता है फॉर द एग्जीक्यूशन और वेट कर रहा होता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम उसको प्रोसेसर को असाइन करे, उसको कहते हैं डिस्पैच, तब वो हमारे पास रेडी स्टेट में होता है। जब उसको प्रोसेसर मिल जाता है, प्रोसेसर का टाइम मिल जाता है और वो रन मतलब अपनी जो इंस्ट्रक्शंस हमको एग्जीक्यूट करना स्टार्ट कर देता है, तो उस वक्त वो रनिंग स्टेट में होता है। अब रनिंग स्टेट से आपको 3 एरोज जाते हुए नजर आ रहे हैं। रनिंग स्टेट से या तो वो एग्जिट हो सकता है, ठीक है, हमारे पास सारी इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट हो गई तो वो एग्जिट हो जाएगा और वो उसकी टर्मिनेटेड स्टेट होगी कि वो कंप्लीट हो चुका है। ये भी हो सकता है कि वो रनिंग से ब्लॉक्ड में चला जाए। ब्लॉक में वो कब जाता है कि जब उसको कुछ ऐसे रिसोर्सेस चाहिए होते हैं जो इस वक्त फ्री नहीं है, तो वो क्या करता है, वेटिंग में जाता है। जब रिसोर्सेस फ्री हो जाते हैं, उसको दोबारा मिल जाते हैं, तो वो क्या करेगा, अनब्लॉक होके अब दोबारा सबकी रेडी वाली स्टेट में चला जाएगा। और रेडी स्टेट में जाने के बाद ऑपरेटिंग सिस्टम उसको दोबारा प्रोसेसर को डिस्पैच करेगा। या ये भी हो सकता है कि कोई प्रोसेस रन हो रहा था और इस ड्यूरेशन में एक दूसरा प्रोसेस आ गया। अब दूसरा प्रोसेस जो था उसकी प्रायोरिटी ज्यादा थी, उसकी प्रेफरेंस ज्यादा थी, तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा कि पहले प्रोसेस को स्टॉप कर देगा, पहले दूसरा प्रोसेस एग्जीक्यूट किया जाएगा और इसके बाद फर्स्ट प्रोसेस दोबारा अपना डिस्पैच किया जाएगा प्रोसेसर को, और फिर वो अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट करने के बाद टर्मिनेट हो जाएगा। अब प्रोग्रामिंग में एग्जीक्यूशन के 2 बेसिक यूनिट्स होते हैं, एक को प्रोसेस कहते हैं, एक को थ्रेड्स कहते हैं। प्रोसेस अभी हमने देखा क्या होता है कि इंस्टेंस ऑफ अ प्रोग्राम बीइंग एग्जीक्यूटेड वो प्रोसेस कहलाता है। प्रोसेस के अंदर एक से ज्यादा थ्रेड्स भी हो सकते हैं। थ्रेड क्या होता है, थ्रेड इज द बेसिक ऑर्डर्ड सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन विद इन अ प्रोसेस। अब देखिए प्रोसेस हमारे पास क्या होता है, जो प्रोग्राम इस वक्त एग्जीक्यूट हो रहा होता है वो प्रोसेस कहलाता है, और प्रोग्राम में क्या होता है, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस मौजूद होती हैं। तो क्या होता है कि जो प्रोसेस के अंदर इंस्ट्रक्शंस हैं उनको हम सबसेट बना लेते हैं, ठीक है, मतलब उसमें से एक ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस ऐसी इंस्ट्रक्शंस जो ऑर्डर्ड हैं, जो सीक्वेंस में हैं और दैट कैन बी एग्जीक्यूटेड इंडिपेंडेंटली, जो दूसरे इंस्ट्रक्शंस के ऊपर डिपेंड ना कर रही हो, ठीक है, उनको हम क्या कहते हैं, थ्रेड कहते हैं। एक प्रोसेस के अंदर एक से ज्यादा थ्रेड्स मौजूद हो सकते हैं और ये थ्रेड्स प्रोसेस के ही रिसोर्सेस को शेयर करते हैं। इनके बीच में हम थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं। फर्स्ट डिफरेंस ये है कि प्रोसेस इज एन एग्जीक्यूटिंग इंस्टेंस ऑफ अ प्रोग्राम
एंड थ्रेड इज अ सबसेट ऑफ अ प्रोसेस. ठीक है, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि कुछ ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस हम ले लेते हैं जो ऑर्डर्ड हैं, जो सीक्वेंस में हैं और जो इंडिपेंडेंट है. दूसरा डिफरेंस ये है कि इट हैज इट्स ओन कॉपी ऑफ डेटा सेगमेंट ऑफ द पेरेंट प्रोसेस. ठीक है, प्रोसेस जो होता है वो इंडिपेंडेंट होता है, इसकी अपनी एक कॉपी है डेटा सेगमेंट की. थ्रेड जो है वो प्रोसेस का डेटा सेगमेंट ही एक्सेस करता है, उसका अलग से कोई भी डेटा उसके पास मौजूद नहीं है, डेटा सेगमेंट मौजूद नहीं है. थर्ड डिफरेंस ये है कि एनी चेंज इन द प्रोसेस डज नॉट अफेक्ट द अदर प्रोसेस, क्योंकि प्रोसेसेस एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं. एनी चेंज इन अ थ्रेड मे अफेक्ट द बिहेवियर ऑफ द अदर थ्रेड्स ऑफ द प्रोसेस. ठीक है, क्योंकि वो साइमल्टेनियसली सब एक प्रोसेस के अंदर ही काम कर रहे हैं, तो हो सकता है कि एक प्रोसेस का जो अफेक्ट हुआ है, उसने जो चीज़ की है, एग्जीक्यूट किया है, तो उसका दूसरे थ्रेड्स के ऊपर भी अफेक्ट हो सकता है. फोर्थ हमारे पास है प्रोसेसेस रन इन द सेपरेट मेमोरी स्पेसेस एंड थ्रेड्स रन इन द शेयर्ड मेमोरी स्पेसेस. जैसे मैंने आपको बताया कि ये प्रोसेस थ्रेड्स जो है प्रोसेस की ही मेमोरी स्पेस को शेयर करते हैं. प्रोसेसेस आर इंडिपेंडेंट एंड थ्रेड्स आर डिपेंडेंट. थ्रेड्स आर डिपेंडेंट ओवर द प्रोसेस. इस डायग्राम में हम देख सकते हैं थोड़ा सा इसका कंपैरिजन बिटवीन द थ्रेड एंड प्रोसेस. ये फर्स्ट डायग्राम में आपको नजर आ रहा है एक सिंगल थ्रेडेड है, एक थ्रेड मौजूद है और यहाँ पे हमारे पास इसका कोड, डेटा, फाइल्स, रजिस्टर और स्टैक मौजूद है. दूसरे डायग्राम में हमारे पास थ्री थ्रेड्स मौजूद हैं, हर थ्रेड का रजिस्टर्स और स्टैक अलग है मगर इनका जो कोड, डेटा और फाइल्स है वही, मतलब डेटा सेगमेंट जो है वो तीनों आपस में शेयर करें मगर इनके रजिस्टर्स और स्टैक अलग है. अब मल्टी थ्रेडिंग पे आ जाते हैं. मल्टी थ्रेडिंग इज एन execution method of a program that allows a single process to run multiple threads at the same time. जैसे कि भी previous diagram में हमने देखा, इसमें एक process में एक ही thread था, इसमें एक process में three threads run हो रहे हैं, मतलब multiple threads run हो रहे हैं. Multiple threads allow to exist in a single process. तो threads क्या होते हैं, एक दूसरे से independently execute होते हैं. इसका हमारे पास basic purpose ये होता है कि CPU की utilization maximum हो जाती है, कि जो चीज़ें एक दूसरे से इंडिपेंडेंट रन हो सकती हैं हम उनको सेपरेट करके इंडिपेंडेंट रन करवा लेते हैं. इसकी कुछ एग्जांपल्स देखते हैं. एमएस वर्ड आपने यूज़ किया होगा, उसमें क्या कर रहा है, उसमें आपके पास बैकग्राउंड में एक थ्रेड रन हो रहा होता है, दैट इज चेकिंग द स्पेलिंग मिस्टेक्स. मतलब यूजर जो है वो अपना टाइपिंग का काम कर रहा है और जैसे जैसे वो टाइप करता जा रहा होता है साथ साथ उसकी जो स्पेलिंग मिस्टेक्स हैं वो भी निकलती जाती. सेकेंड इसकी एग्जाम्पल हमारे पास वेब सर्वर्स हैं that use the multi-threading all the time, क्योंकि हर request जो उनके पास आती है connection के लिए तो वो उसको एक different thread से handle करते हैं. So this was our lecture. Thank you for your attention.